मैं 17 तारीख को यूट्यूब शायद छोड़ने वाला हूँ। मेरे लिए मुझे आप शायद लगता है मैं यूट्यूब के लिए बना नहीं हूँ, उस लेवल तक यूँ नहीं पहुँच लोग पाऊँगा, अपना फ्यूचर समय बर्बाद करते रहूँगा। ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल राहुल आरजीबी में आप सभी को स्वागत करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो कुछ मतलब कुछ रीज़न मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। ठीक है। कुछ दिन अपना प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और शायद आगे भी नहीं बना पाऊँगा। ठीक है। तो मतलब कुछ मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। सिंपल से ज़िंदगी में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है यार, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब में। अगर यूट्यूब में मैं अभी तक सक्सेस हासिल कर लेता ना, तो शायद इस मतलब इस प्रॉब्लम को मुझे नहीं झेलना पड़ता। आज का वीडियो बनाने का रीज़न यही है, जो कि मतलब मैं 17 तारीख को यूट्यूब शायद छोड़ने वाला हूँ। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, शायद 17 तारीख के बाद आप लोग मुझे यूट्यूब में नहीं देख पाओगे। तो आप लोगों को छोड़कर, यूट्यूब छोड़कर मैं कुछ मतलब पर्सनल लाइफ में मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो मतलब देख लेते हैं, अगर होता है तो शायद आप लोगों को छोड़कर, यूट्यूब छोड़कर चला जाऊँगा। तो यूट्यूब में मतलब 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ यार, तो वो मतलब वो सक्सेस वाला लेवल मुझे कुछ अभी तक मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है। तो मेरे लिए मुझे शायद लगता है मैं यूट्यूब के लिए बना नहीं हूँ, मैं शायद यूट्यूब में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ यार। मेरे मतलब मेरे अंदर उतना टैलेंट है नहीं कि जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है। यूट्यूब को मतलब एक कंटेंट के अंदर में। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद ये कर पाऊँगा ज़िंदगी में, आगे यूट्यूब में कर पाऊँगा। तो इसीलिए शायद मुझे कुछ कोई और रास्ता चुनना होगा। अगर यूट्यूब के चक्कर में रहूँगा तो शायद मैं मतलब वो सक्सेस लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, अपना फ्यूचर समय बर्बाद करते रहूँगा। ठीक है। तो इसीलिए सोच रहा, कुछ करने का ठान लिया है मैंने, ठान तो नहीं लिया लेकिन वो करने का तो कर, लेकिन वो मतलब करने का एक मतलब कंपनी है, तो एक कंपनी में मतलब मुझे जॉब मिला। ठीक है। और अगर मिडिल क्लास घर का लड़का हो ना, और तो मतलब एक लड़का हो ना, तो मतलब इतना प्रेशर आता है ना घर से फैमिली से, अपना करियर लेकर, अपना अपना मतलब फ्यूचर लेकर इतना टेंशन आता है ना यार। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ किस लिए बना हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब टेंशन के मारे सब भूल जाता हूँ यार। हम लड़कों का ज़िंदगी ना इतना आसान भी नहीं होता है, लड़का हो ना लड़का, कंधों पे जिम्मेदारी लेके चलना पड़ता है। हम लड़कों का टेंशन ना वही लोग पता कर सकता है जिन्हें मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत सारा सपना लेकर शायद मैं यूट्यूब में आया था, लेकिन अब यूट्यूब छोड़कर मुझे जाना होगा। बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए, और आप लोगों यदि आप लोग मुझे प्यार करते हो तो आप लोगों की बहुत दुख की बात है। तो शायद मैं यूट्यूब छोड़ के जाने वाला 17 तारीख को, और अगर नहीं जाऊंगा तो बाबा चिल वाला ब्लॉग्स लाते रहूंगा। और मतलब जैसा भी हो, जैसा भी ना हो, मतलब छोटा छोटा वीडियो कंटेंट बना के आप लोगों को देने वाला है। तो अगर देखते हैं, अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो यूट्यूब बाय बाय करके चला जाएगा। आई एम रियली सॉरी माई सब्सक्राइबर, माई व्यूअर, आप लोगों को छोड़कर मुझे जाना होगा। पर जो भी नहीं गाइस, अगर जाने वाला है तो चला जाएगा, और नहीं होगा तो फिर से घूम के आ जाएगा। अगर मतलब आगे बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ में। ठीक है। तो मतलब उस दिन मतलब अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, एक मतलब बिग ऑनलाइन किया था। ठीक है। तो उसको अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाला, आप लोगों के सामने मतलब चेक करने वाला ऑनलाइन का मतलब बैग या सामान कैसा होता है। ठीक है। उसको चेक करने वाला। और आज फिलहाल आज में मेरा एक शूज ऑनलाइन किया था, वो भी आ चुका फाइनली, तो उसको भी आप लोगों के सामने मतलब अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो चलो देखते हैं कैसा है ऑनलाइन का सामान। यार ये बकरी के पाचा पे कर रहा है यार, मेरे को वीडियो में डिस्टर्ब ही हो जा रहा है। तो हेलो यार गाइस, मैंने बोला था ना आप लोगों को मैं मतलब अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो ये रहा शूज, तो इसको फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करने वाला है। और ये रहा बैग। ओह माय गॉड, वाओ, दोस्तों मतलब फ्लिपकार्ट से है, मैंने ये भी कहा अनबॉक्सिंग करने वाला आप लोगों के सामने। ठीक है। तो अनबॉक्सिंग करेगा। और ये रहा हमारा हथियार। ओह माय गॉड, ये है हमारा हथियार। तो इसके सामने में इसको मतलब झुका के कैसे करना है, अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो अभी देखते हैं अनबॉक्सिंग करने वाला। तो सबसे पहले उस दिन वाला बैग था, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करने वाला था। ठीक है। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं बाबा। ओ माय गॉड, हैप्पी वाला मतलब ओपी वाला नजर है यहाँ पर। बैग का मतलब कुछ अलग ही लेवल का फ्यूचर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये रही है मतलब सेफ्टी, मतलब चौड़ा नहीं होने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर टंगना बैग एक है, इसको मतलब इसका कुछ अंदर में कुछ कार्टून वगैरह है, तो यहाँ पर पूरा डांट हो गया है। तो इसका मतलब जो इसका हरी है, क्या बोला तूने,
ये जो मतलब ये वाला है ना, तो इसका मतलब कुछ लिया हुआ है ये रहा। और देखते हैं बाकी, इसको अभी अंदर में चेक करते हैं। ये रहा पानी वाला जुगान और ये रहा पानी वाला जुगान। तो यहाँ पर इस बैग के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ छोटा है, मतलब कुछ सामान घुसाने का अंदर है। और यहाँ पर है कुछ सामान घुसाने वाला अंदर में, ठीक है। तो ये दो हो गया, अभी और एक चेक करने वाला है। तो यहाँ पर है कुछ, ओ माय गॉड, यहाँ पर है डबल चेन। ओ भाई साहब, यहाँ पर ये देखो एक अंदर में और एक अंदर है, ठीक है। तो ये वाला एक हो गया। तो अभी अंदर में एक और है यहाँ पर, ये छोटा मोटा, ठीक है। ओ भाई साहब, इतना फ्यूचर बैग में मैंने पहली बार देखा। तो यहाँ पर अंदर में कुछ इस तरीके से है, और ये वाला अंदर में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको अभी हो गया। ये वाला अंदर में तो रहता है, हर बैग में रहता है ये मैंने कई बैगों में देखा हुआ है। तो ये हो गया अभी, और नीचे, ओ माय गॉड, नीचे देखो ये सेफ्टी गार्ड, मतलब नीचे रखने से मतलब ये कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर एक चेन है, इसमें क्या देखते हैं। ओ भाई साहब, ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पर मतलब ये बैग कवर, मतलब बारिश आने से ये मतलब लगा देने से वाटरप्रूफ, तो ये मतलब छतरी हो गया इसका मतलब कवर। तो यहाँ पर वैसे कवर लगाने से मतलब ये भीज नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा लेते रहे फाइनली, अभी इसको टांग लेते रहे बाबा। और अभी बचा हुआ है मेरा वो वाला सूज। ओ माय गॉड, यहाँ पर डाकू कहाँ गया। ओए कैमरा में चकुला हो इसको, अभी मतलब अनबॉक्सिंग करने वाला, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाला है रे बाबा, जैसा था वैसा ही आया, ठीक है। तो मतलब मैं मतलब जैसा ऑनलाइन किया था सेम टू सेम ऐसा ही आया। तो देखने से थोड़ा मतलब कलर थोड़ा मतलब चेंजिंग लग रहा है, ये वाला कलर थोड़ा चेंजिंग लग रहा है, बाकी सब ठीक है, एकदम न्यू ब्रांड है कंपनी। ये है कंपनी वाला शूज, और यहाँ पर ये है इसका ब्रांड फ्यूचर, मतलब क्या क्या है। ये है वीरेंद्र सहवाग, तो यहाँ पर इसके कंपनी का सूज पहनने वाला है। तो जिंदगी में अपना अभी धोनी वाला इंसान हो चुका है, ये रहा बैग, नया बैग, ये रहा अपना नया सूज। तो इसको अभी पहन के देखते हैं कैसा होने वाला, ठीक है। तो इसको अभी पहन के देखने वाला, ठीक है। ये दोनों वाला सूज अभी देखते हैं पहन के कैसा होने वाला। तो यहाँ पर मैं पहन डाल लेता है। ये देखो मेरा सूज नया वाला, यहाँ न्यू ब्रांड है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये देखो रे भाई, ये रुक जा रुक जा। तो गाइस, नया वाला सूज लाया हूँ ना, तो यहाँ पर मतलब अलग लेवल का फील हो रहा है मेरे को। ये देखो नया वाला सूज पहन लिया, पानी अभी जाने वाला है नचने के लिए। ओह माय गॉड, नया वाला सूज। फिर गाइस फाइनली ये भी अनबॉक्सिंग हो गया, ये भी अनबॉक्सिंग हो गया है। तो अभी लेके जाते हैं अभी अंदर में, इसको मतलब घर में रख देते हैं। फिर गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे प्रेस करना, ताकि ये हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए। लेकिन 17 तारीख तक मैं अगर चला जाता हूँ तो नहीं देख पाओगे, और अगर नहीं जाता हूँ तो यार ऐसे ही चीज़ मतलब लाते रहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।